सीमाब नकवी ने क्या कहा है महेंद्र सिंह ने, वो आपको सुनाए देते हैं। राजधानी में आज युवा कुंभ का आयोजन किया गया, हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं मंत्री महेंद्र सिंह। सर, इस कार्यक्रम का क्या मकसद था और इतनी बड़ी मतलब इसको करने की क्यों जरूरत पड़ी? पूरे भारत के अंदर इस तरीके के वैचारिक कुंभ का आयोजन किया गया है। जिस तरीके से आप जानते हैं कि अनादिकाल से कुंभ लगता है, कुंभ भारत की संस्कृति का प्रतीक है, कुंभ समरसता का प्रतीक है, कुंभ ज्ञान का प्रतीक है, कुंभ पवित्रता का प्रतीक है, कुंभ ऊर्जा का स्रोत है। और उन सब चीज़ों को लेकर के भारत का नौजवान एकाग्रचित होकर के भारत को महान भारत बनाने की दृष्टि से आगे बढ़े, इसी दृष्टि से आज का यह वैचारिक कुंभ यहाँ पर आयोजित किया गया था, जिसमें पूरे भारत के युवा आए थे और हर युवा उत्साहित था अपने देश के लिए, समाज के लिए। और जिस तरीके के विचारवान युवा यहाँ पर आए थे, अपने विचारों को लेकर के जाएंगे अपने जीवन में, परिवार में, समाज में और देश की उन्नति के लिए काम करें। बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मंत्री महेंद्र सिंह। इनका साफ तौर पर कहना है कि राम मंदिर निर्माण के लिए पूरी दुनिया का हिंदू चाहता है और युवा भी चाहता है, इसलिए राम मंदिर का निर्माण जल्द से जल्द होगा और वहाँ पर भव्य राम मंदिर बनेगा। कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। तो युवा कुंभ की